हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेकआउट के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम रिव्यू कर रहे हैं न्यूली लॉन्च पल्सर P150 को। एंड जो हमारे पास वेरिएंट है वो सिंगल डिस्क एंड सिंगल सीट वेरिएंट हमको देखने को मिल रहा है। आज बात करेंगे इसके सारे फीचर्स की। राइडिंग वीडियो आपको जल्दी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना है, लेटेस्ट वीडियोस तभी आपको मिल पाएंगे। एंड अगर आप मेरठ या मेरठ के नियर बाय सिटीज़ हैं तो आप विजेता बजाज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाएँ, अपनी डील लो, बताएँ आप टेकआउट के व्यूअर हैं तो आपको डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। इनके पास स्टॉक हमेशा काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहता है। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बताते हैं इस बाइक में और स्प्लिट सीट में आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, बेसिकली वो भी सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड जो हमारे पास कलर है वो आप देखें, ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स में है ये हमारे पास। एंड यहाँ पर आपको मैट फिनिश में भी देखने को मिल जाता है। तो जो बाइक की पेंट स्कीम है, बेस हमको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक रखा गया है, देन मैट एंड वाइट में आपको इसमें ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो फ्रंट सेक्शन से बात करते हैं। तो जो हमारा फ्रंट सेक्शन है वो आप देख सकते हैं कैटाई में आता है। एंड ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है जब बाइक स्टार्ट होती है, ये तब आपका चलता है। मैं एक बार आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। बाइक स्टार्ट करने के लिए मे बी मेरे को सर, तो आप देखें ये आपका ऐसे ऑन हो जाता है जैसी बाइक स्टार्ट होती है, और ट्रेड लैंप्स आपको देखने को इसमें मिल रहे हैं। एंड बाइक बंद होते ही ये बंद हो जाते हैं। देन इसमें आपको प्रोजेक्टर एलईडी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है रात में। जैसे कि N160 में भी इन्होंने प्रोजेक्टर एलईडी दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। और पल्सर अपनी नेक बाइक्स में अब ये चेंजेस कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात लगी मेरे को ये चीज़ देख के कि बजाज की पल्सर्स में अब ये चेंजेस आ रहे हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड आपका रिफ्लेक्टर माउंट है, एबीएस के साथ आती है बाइक, सिंगल चैनल एबीएस देखने के लिए मिल रहा है। एंड जो टायर साइज है 80x100 17 इंचज़ का टायर देखने के लिए मिल रहा है। ये एक चेंज है, अगर आप डुअल डिस्क वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ आपको 90x90 का देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको 80x100 का देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपका चेंज है, मैं चेंजेस आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट में ग्राफिक्स दिए गए हैं अलॉय पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, वो काफ़ी सही लगेंगे जब नाइट में बाइक चलेगी। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हो मडगार्ड भी ग्लॉसी एंड मैट ब्लैक में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जैसा N160 या 250 में, तो ये जो एरोडायनामिक शेप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डीपर थी, तो इसको थोड़ा सा शॉर्टन आउट करा गया है। उसमें उन बाइक्स का अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप कम रह जाता है सस्पेंशन और इस शेप्स में, तो थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टन आउट करा गया है। यहाँ जो पल्सर की बैजिंग है यहाँ पर आप सिल्वर में देख सकते हैं। एंड पेट्रोल टैंक 14 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है, काफ़ी ज़्यादा वाइड पेट्रोल टैंक देखने को मिल रहा है। नीचे आप देख, अच्छा सिंगल चैनल एबीएस डिस्क मिलता है, तो इसमें 260mm का डिस्क आपको देखने के लिए मिल रहा है फ्रंट में। नीचे इंजन कावल देखने के लिए मिल जाता है, और आपका ऑक्सीजन सेंसर, बाकी सारे BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बाइक आती है। एंड इसमें आपको सिंगल हॉर्न देखने के लिए मिलता है, हॉर्न बजाय काफ़ी सही हॉर्न है, मेरा कान सुन हो गया है। और ये जो आपके लेग गार्ड्स हैं, एसेसरीज का पार्ट है, बट ये कंपनी से ही आते हैं बजाज से, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पेंट फिनिश के साथ में आ रहे हैं, तो वो भी काफ़ी सही चीज़ है। किक के साथ बाइक आती है, किकलेस नहीं करा गया इस बाइक को, तो ये किक के साथ आ रही है बाइक। एंड यहाँ पर जो इंजन है 150 सीसी का मिलता है आपको, जो कि DTSI इंजन नहीं है, ये न्यू इंजन है। एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूदन आउट होने वाला है ये इंजन। तो जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 14.5 PS की, एंड जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सिंगल स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आता है, इसमें आपको डुअल स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी नहीं या ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, तो सिंगल स्पार्क प्लग ही देखने को इसमें मिल रहा है। बाकी आप देखें इसके जो फुट पैग्स हैं ये फ्लेक्सिबल है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रीमियम उसमें आ रहा है। एंड ये भी आप देखें काफ़ी अच्छी प्रीमियम फिनिशिंग में आ रहा है रियर वाला भी, तो दोनों ही आपके फुट पैग्स अच्छे हैं। आपका ब्रेक पैडल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, मिडिल स्टैंड मिल जाता है आपका। इसका साइलेंसर आप देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पोर्टी बाइक्स की तरह नीचे की साइड छोटा सा साइलेंसर प्लेस करा गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करा है मेरे को इस बाइक में, कि इसका जो साइलेंसर की पोजिशनिंग है वो काफ़ी अच्छी करी गई है, वो दिखता भी नहीं है आपको। एंड एक बार स्टार्ट कर लेता है ये साउंड सुन रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा साउंड है भाई इस बाइक का, तो मेरे को तो साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। रियर में आपको यार ये सिंगल चैनल ABS है और सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है, तो आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। 130mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है रियर पे, वो डिस्क मिलती है उसमें आपको दूसरे में देखने के लिए रियर पे।
और यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है, ये भी सेंसर के साथ है, और वहाँ पर डिस्क भी आपको सेंसर के साथ मिलती है। ये 100x90 का 17 इंचेस का टायर मिल रहा है। टायर रियर का दोनों का ही सेम है, चाहे आप डुअल डिस्क लें चाहे सिंगल डिस्क लें, तो टायर आपको दोनों में ही सेम देखने को मिल जाता है। डिस्क का भी ये चेंज था एक, तो वो भी आप नोट डाउन कर लें। बाकी सीट का मेजर चेंज है, यहाँ पर सिंगल सीट है, वहाँ पर स्प्लिट सीट मिलती है, ग्रैब हैंडल वहाँ पर स्प्लिट मिलता है, यहाँ पर सिंगल ग्रैब हैंडल मिल रहा है। ये सारा मैट में दिया गया है, वहाँ सारा ग्लॉसी है। सीट की जो कुशनिंग है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, कुशनिंग तो मेरे को काफ़ी सही कुशनिंग लगी है। इंडिकेटर आपके फ्लेक्सीबल देखने को मिलते हैं, देन आपकी नंबर प्लेट लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है साइड में, एंड अगर मैं कहूँ साड़ी गार्ड वगैरह सब कुछ दिया गया है। टायर कवरिंग मिस आउट हो गई है बस यहाँ पर, सीट ओपनिंग के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी सीट ओपन कर सकते हैं। बाकी एक बार बैठ जाते हैं, देखते हैं फिर बैठने के बाद कैसी पोजिशनिंग आती है बाइक पे। 14 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलता है, जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है वो 55 के अराउंड माइलेज, 50-55 के माइलेज क्लेम कर रही है। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितना दे रही है अगर आपने ये परचेज आउट कर लिया। मेजर चेंज बाइक में USB चार्जिंग स्लॉट मिल रहा है, देन आपका स्विच गियर सेटअप मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर सारा स्विच गियर सेटअप, हाई बीम स्विच है यहाँ पर, आपका हाई बीम लो बीम, यहाँ पर पास स्विच, नीचे आपका इंडिकेटर, नीचे हॉर्न, राइट साइड पे आपका इंजन कील एंड सेल्फ। यहाँ पर कोई भी हेडलाइट स्विच नहीं दिया गया क्योंकि ऑटो हेडलैम्प्स इसमें आ रहे हैं। सामने की साइड आपका पूरा फ्रेश रिफ्रेश्ड कहूँगा मैं आपको, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल रहा है। एंड इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड पर डिजिटल, सेंटर में एनालॉग RPM मीटर, एंड लेफ्ट साइड पर आपके सारे वार्निंग लाइट्स, नीचे आपको स्विच दिए गए हैं दोनों साइड पे यहाँ पर एंड लेफ्ट एंड राइट में, तो वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसमें आपको स्पीडोमीटर, आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइमर, डिस्टेंस OMT वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। चलो एक बार मैं पोजिशनिंग भी दिखा देता हूँ। हैंडलिंग यहाँ पर आपका थोड़ा चेंज करा गया है, ये टूवर्ड्स आपकी साइड आता है। एंड यार एक और चीज़ का ना चेंज है मैंने जो नोटिस करा, P150 में आपको ये वाला हैंडल मिल रहा है, और मतलब सिंगल डिस्क में, और डुअल डिस्क में ना आपको क्लिप ऑन हैंडल मिल रहा है। मेरा आप वीडियो देखना डुअल डिस्क वाला, उसमें क्लिप ऑन हैंडल है, और इसमें आपको ये वाला हैंडल है जो आपका N160 और N250 में आ रहा है। कि टूवर्ड्स आपकी साइड आता है, काफ़ी ज़्यादा सही हैंडल है ये भी, इसमें कोई इशू नहीं है। देन सीट की पोजीशनिंग में देखा, सीट पे आपको जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपके फुट काफ़ी सही रहता है, कोई भी डिस्टेंस नहीं रहता है, एंड ये आपका लेग पूरा पीछे की साइड आता है, तो आपको नेक्ड बाइक वाली पूरी फील आउट देगी ये बाइक, कि हाँ ये आप एक नेक्ड बाइक चला रहे हैं, तो वो पूरा फील आउट आपको देती है। सिटिंग में कोई भी इशू नहीं आएगा, बस आप थोड़ा सा इसकी साइड में लीन रहेंगे जब भी आप इसको राइड करेंगे, टूवर्ड्स आप इसकी साइड लीन होकर के ही इसको राइड कर सकते हैं। थोड़ा सा लीन होना होता है, ज़्यादा नहीं, आपके बैक के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सीट की कुशनिंग मेरे को काफ़ी पसंद आई है, चाहे N सीरीज़ हो चाहे P सीरीज़ हो उसके लिए। ट्रांसमिशन देख लेते हैं, ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर 5 स्पीड के ट्रांसमिशन मिल रहा है, जिसमें आपका एक गियर डाउन टूवर्ड्स एंड बाकी के अपवर्ड है, एंड यहाँ पर हाफ गियर पेडल आपको देखने को मिलता है। मैंने जैसे बताया आपको ओपन चेन सेटअप प्लस आपके दोनों स्टैंड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो बाइक में ऑल दो सभी कुछ देखने को मिल रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को भी लाइक कर दे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।